नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ताज़ा जानकारी। जानकारी क्या है कि अगर आप कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो आप सब्सिडी पर 40-50% की भारी सब्सिडी पर आप ये कृषि यंत्र ले सकते हैं। तो 17 तरह के कृषि यंत्र आप ले सकते हैं। इनमें से अगर जिस कृषि यंत्र की आपको आवश्यकता लगती है वो कृषि यंत्र आप ले सकते हैं। एक किसान एक से अधिक कृषि यंत्र ले सकता है। उसके अंदर रोटावेटर भी है, लेजर लैंड लेवलर भी है, ड्रिल मशीन, रिपर। तो 17 तरह के कृषि यंत्र हैं। ये कौन कौन से कृषि यंत्र हैं और इनके ऊपर क्या क्या कंडीशन है, किनको मिलेंगे, क्या करवाना होगा, क्या प्रोसीजर है, कौन सी वेबसाइट है, तो वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे भी दिया हुआ है। आप उस वेबसाइट पर जाकर दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं और उस वेबसाइट जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो भी देख सकते हैं। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले मेरा निवेदन है कि उस वेबसाइट पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसको मिलेगा, कौन क्या क्या कर इसके लिए क्या करना होगा, तो उनको पूरा पढ़ें तभी रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ें। तो ये जो 17 तरह के कृषि यंत्र है उनके लिए जो सब्सिडी है वो मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग है। जैसे हमारे स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर और एससी फार्मर, वुमेन फार्मर। मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं, जिनके पास 2.5 एकड़ से ज़मीन कम है और 2.5 से 5 एकड़ तक के स्मॉल फार्मर, उनके लिए सब्सिडी अलग। और जो 5 एकड़ से अधिक के किसान हैं उनके लिए सब्सिडी परसेंटेज अलग है। और इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि एक अंडरटेकिंग भी आपको देनी होगी कि मैं कभी भी अपने खेत के अंदर पराली नहीं जलाऊंगा, फाने नहीं जलाऊंगा, आग नहीं लगाऊंगा। तो ये जो कंडीशन है इसके लिए अंडरटेकिंग देना होगा। ये जो भारत सरकार की स्कीम है समाम, उसके द्वारा इसमें सब्सिडी का पैसा दिया जाता है। और ये जो कृषि उपकरण है इनके लिए ऊपर सरकार इतना खर्च इसलिए कर रही है कि किसान पराली या किसी अवशेष है उसके अंदर आग न लगाएं। इसके दूसरी कंडीशंस जैसे ट्रैक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ज़मीन किसके नाम होनी चाहिए, खुद के नाम होनी ज़रूरी है या नहीं। तो इसमें ज़मीन जो है, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति के नाम है, आपके फादर के नाम, माता के नाम, आपके भाई के नाम, आपकी बहन के नाम है तो भी चलेगा, किसके नाम है वो पूरी डिटेल आपको देनी होगी। उसके अलावा एक टोकन राशि आपको जमा करवानी होगी, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर कृषि यंत्र 1 लाख रुपए तक के हैं तो उसमें आपको 2,000 रुपए की टोकन राशि जमा करानी होगी। और जो 1 लाख से 3 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र हैं उसमें आपको 5,000 रुपए की टोकन राशि जमा करवानी होगी। और जो 3 लाख से अधिक के कृषि यंत्र अगर आप ले रहे हैं तो उसमें जो टोकन राशि होगी वो 10,000 रुपए होगी। ये राशि, जो टोकन राशि आप जमा करवाओगे आवेदन के समय, ये रिफंडेबल है। मान लिया अगर आपका आवेदन वहाँ पर सफल नहीं होता है तो आपको ये राशि वापस आपके खाते में डाल दी जाएगी, रिफंडेबल है। और आवेदन आपको कैसे करना है, मैंने पहले ही बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, एक वेबसाइट खेतीबिज.com, KHETIBIZ.com, इस पर आपको जाकर सारे दिशा निर्देश पढ़ने हैं और पता चल जाएगा कि कौन कौन से कृषि यंत्र, इसमें 17 तरह के कृषि यंत्र मैंने आपको बताया है, आप यहां से देख सकते हैं कि कौन से कृषि यंत्र आपको लेना है, इसके ऊपर कितनी सब्सिडी दी हुई है, सारे डिटेल इसके अंदर दी गई है। तो आप यहां से देखिए और फटाफट इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का दिया गया है, जो कि आज 21 तारीख हो चुकी है। इसलिए जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया।